असलम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ जीरक यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम बॉडी ट्रेनिंग करें, बॉडी बना रहे हैं, चले अच्छी बात है। साइकिल तो हमने बहुत डिस्कस कर ली, मेरे ख्याल से कोई ऐसी साइकिल नहीं रही कि जो मैंने डिस्कस ना की हो। लेकिन आज से मैंने सोचा है कि हम एक ऐसी सीरीज का आगाज करें जिसमें हम स्टेरॉइड्स की बायोग्राफी बनाएं। हम एक स्टेरॉइड के बारे में बनाएंगे कि जो फलाने फलाने स्टेरॉइड है वो कब बनी, वो क्यों बनी, उसका बॉडी बिल्डिंग साइड के क्या यूज है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसकी यूजेज के दौरान क्या वार्निंग्स होती है। मतलब हम एक स्टेरॉइड का पूरा पूरा उथल पुथल करके ऊपर से नीचे तक आपको बताएंगे कि वो स्टेरॉइड आखिर है क्या। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू। दोस्तों आज इस स्टेरॉइड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस एनाबॉलिक स्टेरॉइड का नाम है एनावर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड स्टेरॉइड है मेरे ख्याल से। दोस्तों एनावर जो थी, इसको पहली दफा बनाया गया था 1962 यानी कि 1962 में। अब सवाल आता है कि एनावर का बेसिकली इस्तेमाल किस लिए स्टार्ट हुआ, इसको बनाया ही क्यों गया। ऐसे लोग जिनकी कोई सीरियस किस्म की सर्जरी हुई हो या फिर लाइफ थ्रेटनिंग किस्म का इन्फेक्शन रह चुका हो, उसके अलावा ट्रॉमा की वजह से वेट लूज हुआ हो, किसी परेशानी की वजह से बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया हो, किसी की कोई बोन इंजरी हो गई हो जैसे कि फ्रैक्चर या हड्डी वगैरह टूट गई हो, या फिर बर्न इंजरी हो, बर्न एक्सीडेंट हो, यानी कोई बंदा जल गया हो अल्लाह ना करे, तो उसकी वजह से उनको जो वेट लॉस होता था, उनका मास लॉस होता था, उनका जो बोन मास लॉस होता था, उसके इलाज के दौरान उस मास की रिकवरी के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते थे एनावर को। लेकिन इसका जो यूज होता था वो बहुत ही लिमिटेड होता था, इतनी लंबी साइकिल नहीं चलती लॉन्ग टर्म। पेशेंट इसको यूज करते थे 1 से 2 महीने या फिर मैक्सिमम 2.5 महीने के लिए, और इसकी जो डोजेज होती थी वो भी बेस करती थी पेशेंट की कंडीशन पे कि पेशेंट कितना सीरियस है। इसकी जो मिनिमम डोजेज होती थी वो 5 से 10 mg होती थी और मैक्सिमम इसकी 20 से 30 mg होती थी, जो कि पेशेंट ओरली या फिर बाई माउथ लेता था दिन में 2 दफा। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 8 से 12 घंटे कंसीडर की जाती है, इसलिए पेशेंट को सुबह शाम रिकमेंड किया जाता था एनावर लेने के लिए। एनावर देने से पहले डॉक्टर्स देखते थे कि जिसको एनावर दी जा रही है उसको कहीं हाई कैल्शियम का इश्यू तो नहीं है। इसके अलावा ये भी देखा जाता था कि कहीं वो आदमी या वो इंसान हार्ट पेशेंट तो नहीं है, उस पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो जरूरत से ज्यादा हाई तो नहीं है, और इसके अलावा उस पेशेंट को पास्ट में कोई लिवर इंजरी तो नहीं थी या फिर उसको किसी किस्म का लिवर डैमेज तो नहीं है। ये सब देखने के बाद ही डॉक्टर पेशेंट को एनावर रिकमेंड करते थे। और एक स्टेरॉइड यूजर को भी एनावर स्टार्ट करने से पहले ये सब कुछ देख लेना चाहिए कि उसमें कहीं ये मसाइल तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एनावर के ओवरडोज से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते थे या देखने को मिल सकते हैं। एनावर के इस्तेमाल से या ओवरडोज से इसके यूजर को वॉमिटिंग का इश्यू हो सकता है, उसके सर में दर्द रह सकता है, उसकी जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती हैं। वैसे ज्यादातर तो होती इंक्रीज है, लेकिन बास केसेस में सेक्सुअल डिजायर के अंदर कमी भी देखी गई है। उस यूजर के बाल झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं, उसकी जो स्किन है वो ऑयली रहना स्टार्ट हो सकती है, उस पेशेंट में एक्ने भी हो सकता है, और इसके एक्सट्रीम केसेस के अंदर लिवर डैमेज भी देखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में एनावर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो एनावर होता है ये उन चंद स्टेरॉइड में से एक है जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। इनफैक्ट एनावर के यूजर के अंदर ये देखा गया है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद उनके ब्लड शुगर लेवल में थोड़ी सी कमी आती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी एनावर का इस्तेमाल जो होता है वो सेफ कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में एनावर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बॉडी बिल्डर बस अपने जिस्म की ग्रोथ देखते हैं, अपने जिस्म की सफाई देना चाहते हैं, उसके लिए वो किसी भी चीज का रिस्क ले सकते हैं, चाहे वो फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो, HCG हो, इंसुलिन ही क्यों ना हो। बॉडी बिल्डिंग में इसका जो बॉडी बिल्डर को फायदा मिलता है वो सबसे पहले ये है कि जो एनावर है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंसीडर की जाती है। इसके जो नुकसान है वो बाकी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा एनावर के बॉडी बिल्डर यूजर के अंदर देखा गया है कि उसको इसके इस्तेमाल से लीन मास गेन भी मिलता है, उसकी बॉडी में वाटर वेट ना होने के बराबर होल्ड होता है, उसकी बॉडी जो है वो कटिंग के अंदर भी आती है, उस बॉडी बिल्डर की या फिर उस यूजर की एंड्योरेंस के अंदर इजाफा हो जाता है। ये मोटे बंदों को, मोटे बॉडी बिल्डर्स को फैट कटिंग में भी बहुत ज्यादा मदद देता है, और जिम के दौरान वर्कआउट के दौरान होने वाले मसल डैमेज को ये बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर करता है। ये थे सब इसके वो फायदे या फिर वो रिजल्ट्स जिनको देख के एक बॉडी बिल्डर एनावर का इस्तेमाल करता है। और जो बॉडी बिल्डिंग में इसकी जो डोजेज होती है वो होती है एक दिन की तकरीबन 20 से 30 mg, लोग 50 mg तक भी लेते हैं, लेकिन जो इसकी 20 से 30 mg है वो एवरेज डोज मानी जाती है। और इसकी जो साइकिल है वो भी 1.5 से 2 महीने के लिए की जाती है। और अगर आप इसी साइकिल के बारे में नहीं जानते तो इसकी साइकिल का जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालता हूँ, वो जाकर देख लें, उसको फॉलो कर लें अगर आप एनावर करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं कोशिश करूंगा पूरी कि उस पे वीडियो बनाऊं। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भाई को कोई पैसे पूछे कमाने का मौका दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।